महासागर की सबसे रहस्यमय जगह से लेकर एक ऐसी ताकतवर लहर तक जिसमें 23,000 एटम बम जितनी ताकत है, जिसमें जलाशय, नदी या महासागर की ऊपरी परत में पानी गोल घूमने लगता है। व्हर्लपूल के बड़े और भयानक रूप को मिलस्ट्रॉम कहते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा उस तैराक को अच्छी तरह पता है जो कभी इस भंवर जाल में फंसा हो। इसके बनने का कारण बहते पानी के रास्ते में अवरोध आना या अलग अलग गति व तापमान की दो धाराओं का संगम होना होता है। इस प्रकार के भंवर में अगर कोई नाव या तैराक फंस जाए तो बाहर निकलने में उसके पसीने छूटने तय है। बड़े समुद्री जहाजों को तो इससे ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन छोटी नावों को ये डुबो कर दम लेता है। बता दें कि दुनिया में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां ये भंवर लगातार बनते हैं, जिनमें से एक नॉर्वे में बॉर्डो के बाहर बनने वाले सोलस्ट्रोमेन की गति 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। शायद ही आपने कभी समुद्री लहरों का ऐसा पैटर्न पहले कभी देखा होगा। इसे क्रॉस सी कहते हैं, जिसमें दो दिशाओं में आने वाली लहरें आपस में टकराकर चौकोर स्वरूप ले लेती हैं। समुद्री किनारों पर नजर आने वाला यह अद्भुत नजारा बेहद दुर्लभ होता है, जिसमें अलग अलग वेदर सिस्टम से लेकर भिड़ने वाली लहरें छोटी छोटी लहरों का एक शतरंज जैसा जाल तैयार कर देती है। देखने में भले ही ये नज़ारा आपको अनोखा और शानदार लगे, लेकिन इसके करीब जाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। खास तौर पर स्विमर्स, सर्फर्स और बॉट्स को इसमें डूबते हुए देखा गया है। समुद्र की सबसे भयानक घटनाओं की बात चल ही रही है तो बरमूडा ट्रायंगल का उसमें नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अंटार्कटिक महासागर का ये एक ऐसा खतरनाक क्षेत्र है जिसके चर्चे हर किसी ने सुने हैं। बरमूडा आइलैंड मियामी शहर और प्यूर्टो रिको के बीच की ये जगह शैतानी त्रिकोण के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ आज तक कई हवाई जहाज और समुद्री जहाज लापता हो चुके हैं। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा है कि जहाजों के अंदर लगे सभी यंत्र यहाँ पहुंचकर काम करना बंद कर देते हैं। वहीं कुछ का दावा है कि इस जगह को परग्रही जीवों ने अपना घर बनाया हुआ है, जो कि नहीं चाहते कि कोई भी इंसान उनके करीब आए। खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि समुद्र के इस भयानक शैतानी त्रिकोण के ऊपर से आज कोई भी जहाज गुजरना नहीं चाहता। सुनामी कुदरत की सबसे भयानक जानलेवा इंसान को उसकी औकात दिखाने वाली ताकत है। समुद्र के नीचे भूकंप आने या किसी प्रकार की वॉल्केनिक एक्टिविटी के चलते सुनामी जन्म लेती है। शुरुआत में इसका आकार समुद्री सतह से ऊपर 1 फुट से भी कम होती है, लेकिन देखते ही देखते ये बड़ी होने लगती है। इतनी बड़ी कि मानो समुद्र पूरी पृथ्वी पर कब्जा करने निकला हो। बता दें कि 2004 के दौरान इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में रिक्टर पैमाने पर 8.9 की तीव्रता के भूकंप के बाद समुद्र के भीतर उठी सुनामी ने भारत सहित कई देशों में भारी तबाही मचाई थी। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कुदरत के इस प्रहार की एनर्जी 23,000 हिरोशिमा टाइम बम के बराबर थी, जिसकी वजह से भारत में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 14 देशों में 2,00,000 से ज्यादा लोग इसके शिकार हुए। जब पानी जमीन से तटीय इलाकों की तरफ बहता है तो इसमें मलमूत्र, खतरनाक केमिकल, अन्य दूषित पदार्थ मिलते रहते हैं, लेकिन इनके अलावा इस दौरान उपजाऊ मिट्टी और कुछ पोषक तत्व की पानी में घुल जाते हैं। जब ये पोषक तत्व पानी में प्राकृतिक रूप से बनने वाली शैवाल को अत्यधिक मात्रा में मिलने लगते हैं तो ये शैवाल बेहद ज्यादा हो जाते हैं। इससे ज्यादा ये तटीय जल का रंग तक बदल देते हैं। इनकी अधिक बढ़ोतरी होने पर पानी लाल या भूरा दिखाई देने लगता है। ऐसे में इन्हें रेड टाइड कहते हैं। रेड टाइड की वजह से पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है और ये विषाक्त पदार्थों को पानी में छोड़कर मनुष्यों और समुद्री जीवों के लिए खतरा बन सकता है। यानी इस लाल रंग के समुद्री पानी में नहाने से आपको बचना चाहिए।